आपको बता दें कि जहां एक तरफ पूरे देश में भोलेनाथ की धूम मची हुई है, वहीं फिरोजाबाद के शिवालय में उमड़ी श्रद्धालु गूंजा बम बम भोले। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। वहीं लोगों ने देवों के देव महादेव को प्रश्न करने के लिए उनकी पूजा एवं अर्चना की। जयशुकाबाद के प्राचीन मंदिर पुया वाले भोले बाबा व चौमकी महादेव मंदिर पर विशेष व्यवस्थाएं भी की गयी, जहां शोरों से कावड़ लगाकर भक्तों ने भोले बाबा का जलाभिषेक किया। वहीं इसी दौरान शिवालय में घंटे एवं घड़ियालों की आवाजों के साथ बम बम भोले के नारे गूंजते रहे, जहां भोले के भक्तों द्वारा लगाए जाने वाले जयकारों ने पूरा माहौल को भक्तिमय कर दिया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी महाशिवरात्रि के पर्व पर पूजा अर्चना की गयी। शिकाबाद से वीरू रिपोर्ट, स्केच न्यूज। काफी भीड़ है आज, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग भी आते हैं। हमारे इस प्राचीन चौमुखी महादेव मंदिर की बहुत ही प्रसिद्धता है। आज आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, तुइया वाले बाबा का मंदिर है। यहाँ पहले राजा का बाग हुआ करता था। यहाँ की जो रियासत थी, श्री माथुर साहब थे, उनके अभी वंशज मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह कर दी। लेकिन ये बहुत प्राचीन मंदिर है, पहले यहाँ जंगल रहता था। मंदिर जो था जमीन से करीब 7 फीट ऊंचा था। जब हम आते थे, ये कुआं है इधर, बहुत अच्छा पानी इसमें निकलता था। यहीं पे बहुत भक्त आते थे। आज भी शिवरात्रि के दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग बाग आते हैं। और सिर्फ यहीं से नहीं, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, अब मैं 2 महीने से रह रहा हूँ इटावा, लेकिन भगवान भोलेनाथ की वजह से आज 3 महीने बाद मैं यहाँ फिर से आया हूँ दर्शन करने के लिए। वैसे जब भी आता हूँ यहाँ जरूर आता हूँ। अब तो काफ़ी बदल चुका है ये मंदिर, लेकिन हजारों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। यहाँ मेरा भी एक समय था, वो समय यहाँ बाबा की कृपा से कट गया और आज जो कुछ भी हूँ, जितना भी है, वो सब बाबा की कृपा है। और इसी वजह से यहाँ भक्तों की लाइनें लगी रहती हैं। विशेष रूप से आज शिवरात्रि के पर्व पे इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है कि शाम को फूल बंगले का आयोजन भी है और भी यहाँ आयोजन होते रहते हैं। सुंदर कांड का आयोजन होता है, रामायण का आयोजन अक्सर करते हैं। अभी सावन के महीने की शुरुआत में जो चौथा सोमवार होता है, उसका यहाँ पे रामायण का पाठ होता है। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की, हजारों की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। आप भी आइए, सिकोहाबाद में स्थित इस मंदिर में दर्शन कीजिए।